चाहेंगे डीएलएड प्रशिक्षुओं पर। देखिए डीएलएड प्रशिक्षु काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से जो बड़ा फैसला लिया गया है कि टेट की परीक्षा में बीएड को भी मान्यता दे दी गई है, यानी कि ये भी पात्र होंगे, तो इस फैसले का लगातार इनकी ओर से विरोध किया जा रहा है। 45,000 के करीब ये प्रशिक्षु हैं, इनका ये मानना है इनके साथ बड़ी नाइंसाफी है। तो अब इन्होंने कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया है और कोर्ट से इन्होंने ये मांग उठाई है कि फिलहाल इस फैसले पर यहाँ स्टे लगा दिया जाए, यानी कि ये अपील इनकी ओर से हुई है। अब देखना होगा किस तरह का रुख आने वाले समय में कोर्ट का यहाँ रहता है, क्योंकि एनसीटीई की नोटिफिकेशन का यहाँ हवाला दिया गया है। नोटिफिकेशन में साफ तौर से ये कहा गया था कि बीएड को भी इसमें मान्यता मिलनी चाहिए और उसके बाद ही यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ये सलाह शिक्षा बोर्ड को दी गई। शिक्षा बोर्ड ने प्रोस्पेक्टस के नियमों में बदलाव कर दिया था, लेकिन अब इस बात से काफी ज्यादा नाखुश जेबीटी प्रशिक्षु नजर आ रहे हैं। इनका ये मानना है कि इनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल मांग तो इनकी ओर से ये उठी है कि अभी इस फैसले पर स्टे लग जाना चाहिए और आने वाले समय में जेबीटी प्रशिक्षुओं से ही आवेदन मांगे जाए और बीएड को अभी इस परीक्षा से कहीं ना कहीं बाहर ही रखा जाए। लेकिन देखना होगा अब किस तरह का रुख आने वाले समय में कोर्ट का भी रहता है, क्योंकि एक बात ये भी है कि इस पूरे मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार हो रहा है और दूसरी बात ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट में इस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए एक बार फिर ये केस लगा है, तो ऐसे में इस समय पर जो शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है वो फैसला लेना गलत है, ये जेबीटी प्रशिक्षु यहाँ पर कह रहे हैं। अब आना चाहेंगे पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर। देखिए बड़ी अपडेट क्योंकि इसमें सामने आई थी, पहले लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल ये उठाए जा रहे थे कि सीबीआई को ये जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही है। फिर सरकार की ओर से दो बार रिमाइंडर सीबीआई को भेजा गया था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स सामने से नहीं आ रहा था। अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में रिकॉर्ड मांग लिया है और अब पुलिस अधिकारियों की जांच का रिव्यू यहाँ सीबीआई करने वाली है। कई अहम खुलासे आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर अब यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ ये उठाए जा रहे थे कि जो भर्ती प्रक्रिया में पुलिस अधिकारी शामिल थे उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस का तो ये भी कहना था कि एसआईटी जो गठित की गई है उसमें भी उन्हीं पुलिस अधिकारियों को रख दिया गया है जो कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस की ओर से कई तरह के सवाल इस भर्ती को लेकर बने हुए थे, लेकिन अब देखा जा सकता है कि सीबीआई खुद इस मामले में जांच करने वाली है, जांच का रिव्यू करेगी, जो कि पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी तक जांच हुई थी उसे लेकर तीनों चार्जशीट्स का ब्यौरा ही सीबीआई की ओर से यहां मांग लिया गया है। इसी हफ्ते इसमें एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी सीबीआई की ओर से और इसे लेकर सीबीआई ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है, इसे लेकर आदेश भी यहां पर जारी हो चुके हैं। अभी देखना होगा कि किन-किन पुलिस अधिकारियों से यहां पर पूछताछ की जाती है और किस तरह के अहम खुलासे होते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आभार व्यक्त कर रही है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार ये कह रही थी कि सीबीआई को यह मामला जाना चाहिए और अब सीबीआई ने खुद इस मामले में पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। तो आने वाले समय में कौन से बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं, बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अभी तक यहाँ पत्र जारी कर पुलिस अधिकारियों को डाटा मंगवा लिया गया है और जो एसआईटी का गठन इसके लिए हुआ था उसमें 183 के करीब आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई थी और लगातार यहाँ पर सवालों के कटघरे में वो अधिकारी बने हुए थे जो कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे। तो एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, पिछले तीन दिन से इसी मामले से जुड़ी अपडेट हम आपको जरूर दे रहे हैं, क्योंकि एक नया मोड पुलिस भर्ती पेपर मामले में यहाँ सामने आया है। आशा वर्कर्स भर्ती से जुड़ी भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि 780 पदों पर ये भर्ती यहाँ जरूर करवाई गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत और अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है, लेकिन रिजल्ट तैयार हो चुका है और इसको घोषित जल्दी किया जा सके इसे लेकर अनुमति मांगी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने चुनाव आयोग से। अब चुनाव आयोग की अनुमति का ही यहां पर केवल इंतजार हो रहा है, तो जैसे ही ये यहां पर परमिशन मिल जाती है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी से होकर मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। और इस भर्ती को लेकर भी बात करें तो 20 सितंबर से पहले के लिए आवेदन मांग दिए गए थे, 780 के करीब ये पद भरे जाएंगे। अभी फिलहाल जो कुल आंकड़ा है आशा वर्कर्स का वो 7,974 है, 780 नई वर्कर्स की इसमें तैनाती कर दी जाएगी, तो फिर 8,744 ये पूरी तरह से आंकड़ा यहां पर होने वाला है।